ये सारा जो छोटा छोटा टॉपिक है ना, सारा कैलकुलेटर अफेयर है कि सर आपको आ रहा है ना सर कि रिटर्न दिया हुआ है 10%, 13%, 12%, -17%, ठीक है, रिटर्न दिया हुआ है। तो बोलेगा सर इसका एएम बताओ। बहुत इजी, कोई भी अगर देखेगा ना तो सब प्लस करके डिवाइडेड बाय 4 कर देगा, ठीक है, जस्ट कैलकुलेटर में ही सॉल्व हो जाएगा। अंडरस्टूड? इससे कोई बड़ा सम्स 7 नंबर का या 5 नंबर का एक्सपेक्ट मत करना, नहीं आएगा सम्स, ठीक है। एएम एएम अगर कोई जीएम बोल रहा है, अगर कोई जीएम बोल रहा है तो सर फैक्टर करना है 1.10 × 1.13 × 1.12। इसको क्या बोलूँ, इसको क्या बोलूँ, -17 को 0.83 वोल्ट का पावर में 1/4 − 1, ये जीएम आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो सर लॉस देख के डरना नहीं है, लॉस का भी ट्रीटमेंट होता है। ओके, जीएम का भी यूज, सर आपको पहला बात तो बोल देगा कि जीएम से निकालो, एएम से निकालो, ठीक है। आपका रिटर्न जीएम से निकलना चाहिए, एएम से निकलना चाहिए। इन केस सम पेपर हार्ड आया और बोले मल्टीपल रिटर्न है, मल्टीपल पीरियड का रिटर्न है, व्हाट 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 इज़ द एवरेज रिटर्न, व्हाट इज़ द एवरेज रिटर्न इफ द रिटर्न फॉर द मल्टीपल पीरियड इज इतना इतना इतना। द वर्ड इज द वर्ड की वर्ड इज इंपॉर्टेंट, मल्टीपल मैंने लिखवाया है। अगर मल्टीपल पीरियड का रिटर्न है तो कौन सा क्या अप्लाई करना है, जीएम। अंडरस्टूड? लिखाया है मैंने। सिंगल पीरियड का अगर कुछ बोल दिया, सिंगल पीरियड हिंट दे रहा है, तो मुझे एएम अप्लाई करना है, ठीक है। ये मतलब कि खुद का दिमाग लगा कर अप्लाई करने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आप क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लेगा एएम का आंसर बताओ, ठीक है। लेकिन इन केस अगर पेपर हार्ड किया और नहीं पूछ रहा है तो यू कैन अंडरस्टैंड विच फॉर्मूला नीड टू बी अप्लाइड। अंडरस्टूड? ओके, क्या हो गया? ये कहाँ तक हुआ था? ये भी मैंने शेयर कर दिया ऑलरेडी, ठीक है, ये मैंने शेयर कर दिया। इस पे हम लोग टाइम स्पेंड किए थे, सिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क, सीएपीएम पे टाइम स्पेंड नहीं किए थे क्योंकि हेवी हो गया था क्लास। मैंने एक सी फॉर्मूला लिखवा दिया था सीएपीएम का। सर फॉर्मूला क्या था? RE इज इक्वल्स टू RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, ये एक फॉर्मूला लिखवा दिया था आपको, ठीक है। सर फॉर्मूला क्या है, कहाँ से आया है, वो कुछ नहीं बोला था कि मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो हेवी हो गया था क्लास, तो मैंने छोड़ दिया था। बट इससे इस टॉपिक से हमको क्या समझ में आया सर? सीएपीएम का एक फार्मूला होता है जो आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इनटू बीटा होता है, ठीक है। ये एक फार्मूला मैंने आपको दे के रखा है, ठीक है। अब बोला है कि सर जब हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल करेंगे तो ये सीएपीएम फिर विजिट होगा। अंडरस्टूड? उसके बाद क्या हुआ था, ये अजम्पशंस था सीएपीएम का, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाया था मैंने, ठीक है, इसको बोला था करने के लिए। इसका आंसर आया था क्या, क्या आंसर आया इसका एक बार बताना। एक्सपेक्टेड रिटर्न 10.03%, ये क्या आ रहा है? अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न बोला है तो क्या आ रहा है, एएम या जीएम? ये एएम आ रहा है, ठीक है। फिर 26.67%, फिर वेरिएंस 711.28, और ये 265, नहीं ये ऐसे थोड़ी ना होगा। एस डी बाई मीन इंटू 100 ना, एस डी बाई मीन इंटू 100 कितना आ रहा है, ये एस डी 2.6,
कोफिशियंट ऑफ वेरियंस एस डी बाई मीन इन टू, ठीक है, ऐसा डेटा दिया हुआ था, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, अंडरस्टूड। फिर उसके बाद मैंने ये बोला था कि सर ये मल्टीपल पीरियड है, बाई एंड होल्ड स्ट्रेटेजी है। बाई एंड होल्ड मतलब क्या, सिंगल पीरियड में नहीं सेल कर रहा है, बाई कर रहा है, होल्ड कर रहा है फॉर मल्टीपल पीरियड, तो इसमें जीएम आएगा, ठीक है, ये भी बाई एंड होल्ड स्ट्रेटेजी था, इसमें भी जीएम आएगा, अंडरस्टूड। अच्छा, इसका इसका जीएम हम लोग निकाले थे, ठीक है, पूछा था क्वेश्चन, जीएम निकालने का नहीं था, आंसर निकालने का नहीं था, क्वेश्चन क्या था, आंसर निकाल के रखा था, पूछा है क्या कि किस मेथड से निकाला है कि नहीं, किस मेथड से निकाला है, तो वो हमको निकालना पड़ेगा सर, हमको तो ऐसे दिख ही रहा है कि एएम से नहीं निकाला है, हम लोग के टॉपिक में एचएम है ही नहीं, हम लोग के जो हम लोग का जो सिलेबस उसमें एचएम नहीं है, इसीलिए मैंने आपको कुछ बोला नहीं एचएम के बारे में, एएम से तो दिख रहा है कि नहीं निकाला है, तो हमको मोस्ट डाउट हो रहा था कि जीएम ही है, ठीक है, जीएम है तो कन्फर्म भी कर दिया था मैंने, 1.06 इंटू 0.63 इंटू 1.27 टू द पावर 1/3 माइनस 1, ठीक है, ओके, हेडिंग दीजिए, पोर्टफोलियो, हेडिंग दीजिए, पोर्टफोलियो, हेडिंग दीजिए, पोर्टफोलियो, ठीक है, ओके, पोर्टफोलियो में दो कर देना, इसमें दो क्वेश्चन आता है पोर्टफोलियो से, ठीक है, एक है रिटर्न, एक है रिस्क, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है, रिटर्न इज़ टू वेटेड एवरेज, रिटर्न इज़ टू वेटेड एवरेज, रिस्क, रिस्क मतलब एस डी, रिस्क इज़ टू, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर लिखना, वेटेड, वेट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, नहीं, वेट ऑफ ए स्क्वायर इंटू एस डी ऑफ एस डी स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी स्क्वायर इंटू एस डी स्क्वायर प्लस टू इंटू वेट इंटू टू इंटू टू इंटू वेट इंटू वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी इंटू एस डी ऑफ ए इंटू एस डी ऑफ बी इंटू आर, ठीक है, ये नीचे लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टफोलियो, व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टफोलियो, अगेन इससे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, कोई आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा व्हाट इज पोर्टफोलियो, ठीक है, क्वेश्चन आपका थियरी क्वेश्चन ना डिफाइंड है ऑलरेडी, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा था ना ऊपर में,
उसी से क्वेश्चन आएगा, ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा व्हाट इज़ द पोर्टफोलियो, जस्ट फॉर द सेटिस्फैक्शन कि पढ़ रहे हैं कि सर पोर्टफोलियो मैं पढ़ रहा हूँ, तो कोई पूछे कि सर पोर्टफोलियो होता क्या है, तो मैं बता पाऊँ कि हाँ ये पोर्टफोलियो का मतलब ये है, उसका रिटर्न ऐसे आता है। अंडरस्टूड? अज्यूम, नहीं पहले सुन लो, अज्यूम नहीं सुनना है पहले, हाँ अज्यूम आई हैव परचेज अ फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स कंफर्टेबल है मतलब स्टॉक, आई परचेज अ फाइनेंशियल एसेट ऑफ एक्स लिमिटेड, ऑफ एक्स लिमिटेड से 500 शेयर्स, 500 शेयर्स एट द रेट ऑफ 50 ईच, कितना 25,000। अब क्वेश्चन मैं पूछूंगा, 25,000 यहाँ तक समझ में आ रहा है, किसी को डाउट नहीं है, बहुत इजी चीज़ लिखा। सर व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ माय इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ माय इन्वेस्टमेंट, इन विच कंपनी आई हैव इन्वेस्टेड, एक्स लिमिटेड, आ रहा समझ में? हाई फाई चीज़ नहीं पूछ रहा हूँ भाई, मैंने खुद ही बोल दिया, एक्स लिमिटेड का शेयर लिया, 500 शेयर लिया है, 50 रुपया ईच, और मेरा इन्वेस्टमेंट का वर्थ क्या है, आंसर इज 25,000। ठीक है, फिगर्स भी बहुत इजी इजी लिया मैंने, ठीक है। अगेन आई हैव परचेज द शेयर ऑफ वाई लिमिटेड से 1,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100, कितना हो गया 1,00,000, है कि नहीं 1,00,000। सर हाउ मच, व्हाट इज द वर्थ ऑफ माय इन्वेस्टमेंट, 1,00,000। पूलिंग टुगेदर एक्स एंड वाई, पूलिंग टुगेदर एक्स एंड वाई आई हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ 2 शेयर्स, हमें करेक्ट? मतलब कि पोर्टफोलियो क्या सर, एक बैग है, पोर्टफोलियो इमेजिन अ बैग वेयर आई हैव पुट माय इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन मे बी इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट इन मे बी इन द फॉर्म ऑफ कमोडिटी, गोल्ड, गोल्ड भी तो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ लैंड, इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रूड ऑयल। अंडरस्टूड? जितना भी इन्वेस्टमेंट आपने किया, द सारा इन्वेस्टमेंट को एक बैग में रखो, और बैग को क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो। तो व्हाट इज द वर्थ ऑफ माई पोर्टफोलियो, आंसर इज 1,25,000, इट इज अ पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अंडरस्टूड? अगेन क्वेश्चन विल बी नॉट टेस्टेबल इन द एग्जामिनेशन, व्हाट इज द, व्हाट डू यू मीन बाई पोर्टफोलियो, जस्ट फॉर योर सेल्फ सेटिस्फैक्शन आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ओके लिखे, व्हाट डू यू मीन बाई पोर्टफोलियो, आंसर इट इज अ पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट इज अ पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ एसेट्स, इट इज अ पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ एसेट्स, ब्रैकेट में मे बी शेयर्स, ब्रैकेट में मे बी शेयर्स कॉमा डिबेंचर कॉमा कमोडिटी एक्सेट्रा, फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि सर, मैंने आपको बोला कि सर कि पोर्टफोलियो का दो चीज निकलता है, क्या, एक रिस्क और एक रिटर्न, रिस्क आई अंडरस्टूड, रिस्क मतलब एसडी का बात कर रहा हूँ, ठीक है, रिस्क एंड रिटर्न। वेट द, अगर मैं शेयर का बात करूँ, शेयर का बात करूँ, तो यहाँ पे एक रिटर्न हो सकता है सर, हो सकता है कि नहीं? अरे शेयर का रिटर्न तो अभी आपने निकाला था ना, P0 PN - P0 / P0 × 100, याद है? अगर डिविडेंड नहीं है, अगर डिविडेंड है तो प्लस ऊपर में D1 भी जुड़ेगा। अंडरस्टूड? तो सर रिटर्न निकल सकता है एक एसेट्स का, एक्स का भी एसेट्स निकल गया, हो सकता है कि मैंने जब खरीदा था तो उसको 30 रुपये में खरीदा था, अभी 50 हो गया, तो 50 - 30 / 30 × 100 निकाला, मुझे नहीं पता कुछ भी है लेकिन ऐसा है। ठीक है, मैं अपने मन से बोलूँ 15%,
मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, सोचो निकाला, निकाल के डिविडेंड विविडेंड सब कंसिडर किया 15%, और एसडी एसडी ऑफ द शेयर से 17% पॉसिबल। अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में पूछूं, ज़रूरी नहीं है बट एक होता है ना कि हाँ इंट्यूशन आता है अंदर से, सर मैं पढ़ रहा हूँ तो एकदम समझ में आ रहा है, रट नहीं रहा हूँ, ठीक है मेरा आदत नहीं किसी को रटवाने का जल्दी, फॉर्मूला रटना होता है दैट डिफरेंट थिंग, बट कॉन्सेप्ट तो है दिमाग में, ठीक है। मैं अगर पूछूँ तो ये बोल सकता हूँ सर 15% का रिटर्न के लिए मैं 17% का रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, हो रहा है क्या समझ में आ रहा है? 15% का रिटर्न के लिए मैं 17% का रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मैं अगर रिटर्न वाई का 12% लिखूँगा, रिटर्न वाई का 12% लिखूँगा, तो मैं एसडी क्या 17% से ज़्यादा लिखूँगा या कम लिखूँगा? अगर मैं रिटर्न वाई का 12% लिखूँ तो मैं एसडी 17% से कम लिखूंगा या ज़्यादा लिखूंगा? कम लिखेंगे ना, लोअर द रिटर्न लोअर द रिस्क। कौन ऐसा एसेट्स लेना चाहेगा जिसमें रिटर्न कम है रिस्क ज़्यादा है? चाहेगा कोई? कोई तो नहीं चाहेगा ना। बी अ रैशनल पर्सन, अ रैशनल पर्सन इज विल लव रिस्क और हेट रिस्क। हेट रिस्क इफ ही विल टेक मोर रिस्क, इफ ही विल टेक मोर रिस्क इफ ही विल कंपनसेट विथ हायर रिटर्न। अंडरस्टूड? तो अगर मैं उसको 12% लिखूं, ठीक है, तो उसको क्या लिखूं 17% से कम? कम मैं इसको 15% लिखता हूं। अच्छा 15 15 दो बार हो जा रहा है, छोड़ो, इसको मैं 16% लिखता हूं। मैं 16% लिख के कहीं लिखूं 15% तो किसी को ये फील नहीं हो कौन सा 15 लिखा है, ये वाला 15 कि वो वाला 15, ठीक है। तो ये 16% लिखा है। मैंने दो चीज़ निकालने बोला है सर, दो चीज़ निकलता है आपके एग्जाम में, एक रिस्क एंड रिटर्न। निकलता तो बहुत कुछ है इन द हायर स्टडीज़, बट अभी तो दो चीज़ निकल रहा है, एक रिस्क एंड रिटर्न, ठीक है। आपके चैप्टर में दो चीज़ है, रिस्क रिटर्न के लिए मैंने क्या बोला? वेटेड एवरेज। रिटर्न के लिए क्या बोला? वेटेड एवरेज। सर मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 1,25,000। प्लीज़ कोई अगर वेटेड एवरेज बोल रहा है, सिंपल एवरेज क्या होता है? सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज सब पढ़ा हुआ है, इट्स क्लास 19 ऑफ एयर, ठीक है। सिंपल एवरेज होता तो मैं क्या करता? रिटर्न का करता 15 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, दिख रहा है ना? लेकिन दिट इज़ नॉट अलाउड, 15 प्लस 12 इज नॉट अलाउड। क्या अलाउ है सर? वेटेड एवरेज, वेट इंटू रिटर्न प्लस वेट इंटू रिटर्न। मैं लिखवाऊंगा, अभी लिखना नहीं है, देखना है सिर्फ, ठीक है। इज इक्वल्स टू वेट कितना है सर? वेट है एक्स का 25,000 डिवाइडेड बाई 125, है ना, इंटू रिटर्न कितना है 0. नहीं सॉरी, इंटू 15 प्लस लाख बाई 125 इंटू 12। देख लो समझ में आ रहा है क्या? कोई फार्मूला नहीं है सर, कोई फार्मूला नहीं है, बस कॉमन सेंस है, कोई भूल जाना तो इसको इजीली याद आ जाएगा, ठीक है। सर सर ने ये बोला है कि सर वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज इज वेट इंटू रिटर्न, वेट प्लस वेट इंटू रिटर्न। सर तीन एवरेज, तीन होता तो वेट इंटू रिटर्न, वेट इंटू रिटर्न और वेट इंटू रिटर्न, अंडरस्टूड? लेकिन बेस्ट बात क्या है ना कि तीन आपका एग्जाम में पूछेगा नहीं, दो ही स्टॉक पूछेगा। तीन पूछने से आपको तो रिटर्न इजी मिल जाएगा, लेकिन एसडी निकालने में ना थोड़ा लफड़ा हो जाएगा, तो इतना लंबा इतना हायर में आप लोग का पूछेगा नहीं, एटलीस्ट इन इंटर। फाइनल में पूछे दैट डिफरेंट थिंग, इंटर में नहीं पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बस मजाक का बात क्या है कि दो है स्टॉक, वेट इंटू रिटर्न, वेट इंटू रिटर्न। क्या आंसर आया इसका? क्या रहा? थ्री प्लस 9.6, 12.6।
12.6%, अंडरस्टूड? ठीक है, लिखे क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा, अ पोर्टफोलियो हैविंग द, अ पोर्टफोलियो हैविंग द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स, अ पोर्टफोलियो इज हैविंग द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट, एक्स लिमिटेड इज कॉल्ड टू 500 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹50 ईच, एक्स लिमिटेड 500 शेयर्स एट द रेट ऑफ 50 ईच, 50 क्या है, मार्केट प्राइस है, द प्राइस एट विच द शेयर इज ट्रेडिंग इन द, ट्रेडिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, अंडरस्टूड? आप शेयर खोलेंगे, किसी का भी कंपनी का शेयर खोलेंगे तो उसका दिखेगा अभी क्या ट्रेड कर रहा है, तो वो शेयर का दाम है, ठीक है। एंड वाई लिमिटेड लैक 100,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, ठीक है, ये लिखा रिटर्न, ऐसे बनाते ना, रिटर्न और एसडी, रिटर्न एंड एसडी, रिटर्न एंड एसडी, ये 15%, 17%, 12%, 16%, ठीक है, आर ऐसे लिखना है, कंटिन्यू में आर ऐसे लिखना, कोरिलेशन बिटवीन द टू स्टॉक, कोरिलेशन बिटवीन द टू स्टॉक इज इक्वल्स टू 0.72, क्वेश्चन नंबर वन, क्या हुआ आपका, क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द एसडी ऑफ द पोर्टफोलियो, सोल्यूशन वन, रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल्स टू वेटेड एवरेज, ब्रैकेट में ऑलवेज, फॉर आरपी समझ में आ रहा है, आरपी समझ में आ रहा है, रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, ठीक है, आरपी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ एक्स वन इंटू एसडी ऑफ एक्स वन प्लस वेट ऑफ एक्स टू इंटू एसडी ऑफ एक्स टू प्लस डॉट वेट ऑफ एक्स एन into SD of N, ठीक है, देयरफॉर ये वाला लिखेंगे इसको 25,000 डिवाइडेड बाई 125,000 प्लस इंटू 15 एक्स, हाँ तो रिटर्न से मल्टीप्लाई, एसडी लिखवाया क्या मैंने,
आपका है? एसडी नहीं होगा, एक मिनट, रिटर्न होगा। सॉरी कोई लिख रहा है तो नहीं, ये एसडी नहीं होगा, रिटर्न होगा, इनटू रिटर्न ऑफ एक्स वन इनटू रिटर्न ऑफ, नहीं आर नहीं, एक्स वन इंटू एक्स मीन वन इंटू एक्स मीन टू इंटू एक्स मीन एन, ठीक है, रिटर्न मीन ना, रिटर्न ठीक है, लिखना 25,000 डिवाइडेड बाई 1,25,000 इंटू 15 प्लस 1,00,000 डिवाइडेड बाई 25,000 इंटू 12, 12 ही था ना, 12 इज इक्वल्स टू, निकाल के देखो, ओके, एस डी ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल्स टू, नीचे लिखना, एस डी ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल्स टू, क्या लिखा था मैंने इधर, वेट स्क्वायर इंटू एस डी स्क्वायर प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेट वन, वेट वन, वेट टू स्क्वायर प्लस टू इंटू वेट इंटू इंटू वेट टू इंटू आर इंटू एस डी वन इंटू एस डी टू। बड़ा लग रहा क्या फॉर्मूला किसी को? हाँ देख, क्या किसी को बड़ा लग रहा है? देखो टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, दिख रहा है आपको? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। यहाँ पे देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू इंटू ये दोनों ए, दिख रहा है आपको? सर ये लास्ट वाला जो आर लिखे है ये कोरिलेशन होगा ना? हाँ कोरिलेशन है, ठीक है। ठीक है, ए दिख रहा है ना आपको? ये डब्ल्यू वन एस डी वन यही तो था ए, और डब्ल्यू टू एस डी टू, दिख रहा है ना? तो है कुछ नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इंटू आर, ठीक है, बैठाएंगे नेक्स्ट लाइन में। आपका वेट कितना है? जी वेट है, ये वेट निकालो तो क्या रहे, 0.2, तो ये 0.8 होगा इसका मतलब, है कि नहीं, दिख रहा है ना? तो 0.2 इंटू एस डी क्या था, 17 का होल स्क्वायर प्लस 0.8 इसका क्या था, 16 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.2 इंटू 0.8 इंटू आर कितना था, 0.72 इंटू 16 इंटू 17, देख लो आ रहा है?
अंडरस्टूड, क्या रहे हैं सर? सर 15.42 सर। प्लस फिफ्टीन पॉइंट 42 सर, 42। फोर थ्री, ठीक है, क्लियर है? नीचे लिखे हैं कोवेरियंस, कोवेरियंस, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, कोवेरियंस ऐसे लिखता हूँ, कोवेरियंस, कोवेरियंस जिसको हम लोग बोलते हैं कोव एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू आर इंटू एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई। फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। हाँ ठीक है, फिर बीटा, बीटा बीटा मतलब क्या होता है सर? सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ऑफ द मार्केट, ठीक है। बीटा, बीटा इज इक्वल्स टू कॉव एक्स एम डिवाइडेड बाई एस डी ऑफ एम, ठीक है, इसको लिखो। इज इक्वल्स टू, देखो कॉव एक्स वाई, यहाँ पे देखिए कॉव एक्स वाई इज इक्वल्स टू आर इंटू एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई, तो कॉव एक्स एम इज इक्वल्स टू एम मतलब क्या? मार्केट, ठीक है। ऊपर में मैं कोवेरियंस निकाल रहा था, ठीक है, कोवेरियंस। सर कोवेरियंस क्या होता है पता नहीं, लेकिन कोवेरियंस निकाल रहा था, ठीक है, मैं बताऊंगा क्या होता है कोवेरियंस, लेकिन कोवेरियंस निकाल रहा था। तो क्या लिख रहा था सर? आर इंटू एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई, द कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई। यहाँ पे सर बीटा निकालना, बीटा मतलब कि सर सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? मार्केट, ठीक है। तो कौन सा स्टॉक? एक्स का स्टॉक, ठीक है, बीटा। तो उसका फॉर्मूला है कॉव बाई एस डी एम स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर इंटू एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ एम होल डिवाइडेड बाई एस डी ऑफ एम का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना? ये एक एम कट गया, यहाँ एक एक एम कट गया। देयर फोर बीटा इज इक्वल्स टू आर इंटू एस डी ऑफ एक्स बाई एस डी ऑफ एम। तो कभी आपको आर देगा बीटा निकालना होगा, कभी कोवेरियंस देगा बीटा निकालना होगा। तो कोवेरियंस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है और आर के लिए कौन सा फॉर्मूला लिखना यूज़ करना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये दो जगह से होगा, या तो आर दे देगा तो आपको ये बीटा निकालने बोलेगा, तो आपको ये फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, ठीक है। कभी कोवेरियंस दे देगा तो आपको ये कोवेरियंस के लिए ये फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। दोनों का एक ही तरीका है, मतलब दोनों का जनरेशन एक ही है। अंडरस्टूड?
लिखे बीटा, लिखे बीटा, बीटा इज द सेंसिटिविटी ऑफ द मार्केट, लिखे जल्दी, बीटा इज द सेंसिटिविटी ऑफ द मार्केट। सॉरी, बीटा इज द सेंसिटिविटी ऑफ द मार्केट। द बीटा इज ऑलवेज वन, द बीटा इज ऑलवेज वन, वन मतलब ये वन, द बीटा इज ऑलवेज वन फॉर द मार्केट। नेक्स्ट लाइन, द बीटा ऑफ द स्टॉक एक्स, द बीटा ऑफ द स्टॉक एक्स, द बीटा ऑफ द स्टॉक एक्स इज 0.8, द बीटा ऑफ द स्टॉक एक्स इज 0.8, ब्रैकेट में मोर देन वन। व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन? आंसर, आंसर, इट मीन्स, इट मीन्स, इट मीन्स द सेंसिटिविटी, इट मीन्स द सेंसिटिविटी ऑफ स्टॉक एक्स, द सेंसिटिविटी ऑफ स्टॉक एक्स विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू बीटा इज 0.8। इफ विथ विथ रेस्पेक्ट, विथ रेस्पेक्ट टू बीटा इज, नहीं, विथ रेस्पेक्ट टू द मार्केट, सॉरी, विथ रेस्पेक्ट टू द मार्केट, द सेंसिट, इट मीन्स द सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक विथ रेस्पेक्ट टू द मार्केट इज 0.8, विथ रिस्पेक्ट टू द मार्केट इज, बीटा को काट के मार्केट कर देना, इज 0.8। इफ द मार्केट चेंजेस बाय, इफ द मार्केट चेंजेस बाय, इफ द मार्केट चेंजेस बाय, इफ द मार्केट चेंजेस बाय 1%, इफ द मार्केट चेंजेस बाय 1%, द प्राइस ऑफ द स्टॉक वन, द प्राइस ऑफ द स्टॉक एक्स, द प्राइस ऑफ द स्टॉक एक्स विल ऑल्सो चेंज बाई 0.8%। अंडरस्टूड? सिमिलरली इफ स्टॉक प्राइस ऑफ एक्स, सिमिलरली इफ स्टॉक प्राइस ऑफ सर एक्स, सर फिर से बोल सकेंगे, इफ मार्केट चेंजेस बाय 1%। इफ द मार्केट चेंजेस बाई 1%, द प्राइस ऑफ द स्टॉक एक्स, द प्राइस ऑफ द स्टॉक एक्स, द प्राइस ऑफ द स्टॉक एक्स विल ऑल्सो चेंजेस बाई 0.8%। सिमिलरली इफ द स्टॉक प्राइस ऑफ, इफ सॉरी इफ द स्टॉक इफ द मार्केट, ऐसे लिखो, इफ द मार्केट, इफ द मार्केट चेंजेस बाई, इफ द मार्केट चेंजेस बाई 3%, इफ द मार्केट चेंजेस बाई 3%, द प्राइस ऑफ द स्टॉक एक्स, द प्राइस ऑफ द स्टॉक एक्स विल चेंजेस बाई कितना? द प्राइस ऑफ द स्टॉक एक्स विल चेंजेस बाई कितना? अगर मार्केट 1% से चेंज हो रहा था तो स्टॉक प्राइस कितना परसेंट से चेंज हो रहा था? अगर मार्केट 1% से चेंज हो रहा था तो स्टॉक प्राइस कितने परसेंट से चेंज हो रहा था? अभी लिखवाया है मैंने,
0.8%। तो मार्केट अगर 3% से चेंज होगा तो वो स्टॉक प्राइस कितने परसेंट से चेंज होगा? 0.8 × 3, 2.4%, है कि नहीं? अब समझ में आ रहा है ये बीटा है क्या? कि सर अगर मार्केट चेंज होगा, सर मार्केट क्या हो, मार्केट क्या बोलना चाह रहे हैं? मार्केट समझ में नहीं आ रहा सर। मार्केट में निफ्टी सेंसेक्स लिखिए नीचे। नहीं, गिरने का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, चेंजेस का बात कर रहा हूँ। अगर मार्केट शेयर प्राइस अगर 100 100 रुपया है, ठीक है, और मार्केट 3% उठा है, तो एक्स का प्राइस कितना भी उठेगा, 3% नहीं उठेगा, 2.4% उठेगा, 102 रुपया, 102 रुपया 40 पैसा हो जाएगा। समझिए, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? सर मैंने बोला कि सर 100 रुपया शेयर प्राइस है, ठीक है, और उस एक्स का, और एक्स का बीटा अगर 0.8 है, ठीक है, तो अगर मार्केट मेरा मार्केट अगर 3% से अप कर रहा है, मार्केट अगर 3% से अप कर रहा है, तो अगर कोई स्पेशल फैक्टर नहीं ले, तो मेरा हर मार्केट बढ़ रहा है, इसका मतलब इकोनॉमी बढ़ रहा है, तो मेरा स्टॉक प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। अंडरस्टूड? मैंने बोला था सर अगर मार्केट गिरेगा तो सारा स्टॉक प्राइस धर्म से गिरेगा, बढ़ेगा तो इसका मतलब ये समझ रहे कि स्टॉक प्राइस बढ़ेगा। सिस्टमैटिक रिस्क नहीं है, मतलब अनसिस्टमैटिक रिस्क नहीं मान रहा हूँ, बिकॉज इट कैन बी क्या कंट्रोलेबल, मैंने बताया था। तो मार्केट इज एफिशियंट, इट कैन कंट्रोल अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो ये भी मैं एज्यूम कर रहा हूँ, तो एक्स प्राइस बढ़ेगा, तो एक्स एक्स का स्टॉक कितना बढ़ेगा सर? एक्स का स्टॉक बढ़ेगा 0.8 × 3 इक्वल टू 2.4%, इसको कितना हो जाएगा स्टॉक का प्राइस? 102.40। आ रहे समझ में? तो गिरेगा नहीं, जोर से बढ़ेगा या धीरे से बढ़ेगा? जोर से बढ़ा है या धीरे से बढ़ा है? जोर से बढ़ा है, धीरे से बढ़ा है? अरे धीरे से बढ़ा है ना, समझ रहे हैं? जोर से बढ़ता तो क्या मतलब, एक के ऊपर होता तब तो जोर से बढ़ता, कि मार्केट थोड़ा सा छूता तो देखो कितना जड़ता है ऊपर में, ठीक है। अगर किसी का बीटा 5 हो, तो हल्का सा मार्केट रूम से कितना सेंसिटिविटी कितना हाई हो जा रहा है, दिख रहा है आपको? आ रहा समझ में? अगर मार्केट अगर बीटा मैं बोल दूँ 0.1 है, तो मार्केट अगर 10% से बढ़ेगा तो वो क्या 1% से बढ़ेगा? फील द मैथ्स, समझ में आ रहा है ना? निफ्टी निफ्टी बढ़ गया 2% 10% से, लेकिन वो 1 ही% से बढ़ा, क्योंकि सेंसिटिविटी लेस है। मार्केट में उसका ज़्यादा सेंसिटिव है कि कम सेंसिटिव है? कम सेंसिटिव है। कौन सा स्टॉक हो सकता है? आंसर इज फार्मास्यूटिकल स्टॉक, ठीक है। मार्केट अगर बढ़ रहा है, मार्केट में इकोनॉमी में पैसा आ रहा है, तो आदमी दवा खाना ज़्यादा जोर से नहीं कर देगा। अंडरस्टूड? सिमिलरली अगर मार्केट गिर रहा है, तो फार्मास्यूटिकल स्टॉक जोर से गिरेगा या धीरे से गिरेगा? धीरे से गिरेगा, बिकॉज इट इज़ ए व्हाट, इट इज़ अ कंपल्सरी गुड ना, खाना तो पड़ेगा, ठीक है। कार, ऑटोमोबाइल्स इज हाई सेंसिटिव और लो सेंसिटिव? हाई सेंसिटिव, ठीक है, इससे डिस्कशन करना तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये आपके सिलेबस में है नहीं ज़्यादा डिस्कशन। ओके चलो, फिर अब उस पर आते हैं, मैंने लिखवा दिया, ये आप निकाल लेंगे घर पे, देख लो, ये आप निकाल लेंगे घर पे, वेट दिया हुआ है और एसडी दिया हुआ है, ठीक है, ये आर दिया हुआ है, कोरिलेशन। अच्छा, इसमें तो रिटर्न निकलेगा नहीं ना, ये काट देना, ठीक है, या फिर रिटर्न लिख लो, यहाँ पे लिख लेना, यहाँ ये रिटर्न का कॉलम बना लो, ठीक है, रिटर्न का कॉलम बना लो, इसको 13% और इसको 7% कर लो। अंडरस्टूड? 13% और 7% होगा,
एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकलेगा और एसडी निकल जाएगा, अंडरस्टूड? कोवेरियंस देखिए, द कोवेरियंस ऑफ द मार्केट रिटर्न विद द स्टॉक, कोवेरियंस ऑफ द मार्केट रिटर्न विद द स्टॉक मतलब क्या बोलना चाह रहा है, कॉव इनटू एक्स इन एक्स एम, दिख रहा है, दिख रहा है ना सर? आपको पता होना चाहिए आपका स्टेटमेंट में क्या बोला है, कि फॉर्मूला का हथियार तो आपके पास है ना, तो पता ही नहीं है कि क्या बोलना क्या चाह रहा है, तो आपको तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है? कोवेरियंस, ठीक है, देखो मैं बता रहा हूँ, तीन चीज़ है, एक कोफिशियंट वेरियंस, कोफिशियंट वेरिएशन, उसे क्या लिखा था मैंने, सी वी नहीं नहीं सॉरी एस डी बाई मीन इंटू 100, याद है? एक है कोव, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई या एक्स एंड एम, एक्स एंड वाई मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि एक्स के संग वाई का रिलेशन, एक्स एंड एम बोलना चाह रहा है क्या, एक्स के संग मार्केट का रिलेशन, ठीक है? इसका एक फॉर्मूला था आर इंटू एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई, एक होता है कोरिलेशन, कोरिलेशन को क्या बोलते हैं, आर, आर का फॉर्मूला क्या आएगा, अबे बता दो भाई आर का क्या फॉर्मूला आएगा, कॉव एक्स एम डिवाइडेड बाई एक्स वाई है ना, एक्स वाई इंटू एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई, वही है ना, समझ में आ रहा है ना? तीन चीज है, ये पूछने का चांसेस कम है, ये सब पूछने का चांसेस ज्यादा है, ठीक है? कोवेरियंस और आपका कोरिलेशन, अंडरस्टूड? कोवेरियंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉव इंटू एक्स वाई, कॉव इंटू एक्स वाई, कोरिलेशन को क्या लिखते हैं, आर, ठीक है? ये तो लिखवा दिया मैंने, हटाऊं? हाँ, कॉव एक्स एम मतलब कि कोवेरियंस इज अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है? उसी तरह एक्स एम मतलब कि कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड एम, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड एम, ठीक है? तो कोवेरियंस ऑफ द मार्केट रिटर्न विथ स्टॉक रिटर्न इज 0.5, ठीक है? एक बात बताता हूँ, द वैल्यू, अच्छा आर लिखवाया था ना मैंने, आर लिखवाया था क्या, फॉर्मूला सारा लिखवा दिया है क्या, कोवेरियंस वाला ही आ जाएगा, वो लिख दो नीचे, फिर बाद में खोजेंगे कि कहाँ आर कैसे आएगा। आर इज इक्वल्स टू, ये लिखवाया था, क्या लिखवाया था मैंने, हाँ आर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ऐसे लिख देना, आर इज इक्वल्स टू कॉव एक्स वाई होल डिवाइडेड बाई एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई, सेम चीज है, देख लो, ठीक है? और यहाँ पे अगर आर पूछा तो, यहाँ पे अगर आर पूछा तो आर इज इक्वल्स टू बीटा इंटू एस डी ऑफ एम डिवाइडेड बाई एस डी ऑफ एक्स, दिख रहा है ना? हाँ आ रहे ना समझ में, फॉर्मूला है भाई, एलजेब्रा ही है, उधर इधर उधर किए हैं, ठीक है? तो क्या बोला है, अच्छा यहाँ आर लिख, नीचे एक नोट लिख दो, नोट नोट नोट, द वैल्यू ऑफ आर, द वैल्यू ऑफ आर, द वैल्यू ऑफ आर विल लाइज बिटवीन, विल ऑलवेज लाइज बिटवीन, विल ऑलवेज लाइज बिटवीन प्लस वन एंड माइनस वन, ठीक है? इन दोनों के बीच में ही आएगा, ठीक है? आर,
कोवेरियंस, जल्दी, अरे ये बहुत टाइम हो गया है। द कोवेरियंस कितना है, ये कॉव है, कॉव एक्स एंड वाई, चाहिए भाई असिस्टेंट, कॉव एक्स एंड वाई ऑफ द कोवेरियंस ऑफ एंड द एस डी ऑफ द मार्केट। अच्छा मार्केट विद द रिटर्न है तो एक्स एंड एम होगा, ठीक है। एस डी ऑफ द मार्केट मतलब एस डी ऑफ द मार्केट ये इज इक्वल टू 0.05, ठीक है। फाइंड द बीटा ऑफ द स्टॉक, दिख रहा है आपको, फाइंड द बीटा ऑफ द स्टॉक। नीचे लिखे सॉल्यूशन, 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 बीटा इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला देख के कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, कॉव एक्स वाई, दिख रहा है ना, बीटा, बीटा इज इक्वल्स टू कॉव एक्स एम होल डिवाइडेड बाई एम का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक चीज इसमें एक रॉन्ग है, मैंने जिस बुक से इसको उठाया है ना, आपके वहाँ पे तो ज़्यादा दिया नहीं, इस बुक से उठाया ना, ये वाला इंटू 10,000 होगा तो ये 50 होगा, ठीक है, ये 50 होगा कोवेरियंस। सर सारे सम्स में मैंने कोवेरियंस डिवाइडेड बाय 10,000 करके दिया हुआ है, ठीक है, जो गलत है आपके एग्जाम में नहीं आएगा, तो ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो कॉव एक्स एम होल डिवाइडेड बाई एस डी एम, उल्टा लिख दे क्या, एस डी एम का होल स्क्वायर, तो 50 होल डिवाइडेड बाई 5%। एस डी को हमेशा ना परसेंटेज में लिखेंगे हम लोग, ठीक है, ये 0.05 दिया हुआ है तो 5%, 5 × 5 तो 50 / 25 इक्वल्स टू 2। नीचे लिखना, नीचे लिखना, इन ऑल सम्स टेक एस डी इन एब्सोल्यूट फिगर, ब्रैकेट में नो डिसिम, विथाउट डिसिमल, मतलब विथाउट डिसिमल का बोलने का मतलब है कि अगर एस डी आपका 16% को 0.16 लिखा है ना, तो आपको 16 लेना है, ठीक है। विथाउट डेसिमल का मतलब ये नहीं है, सुनिए, विथाउट डेसिमल का मतलब ये नहीं है कि आपका 15.2 लिखा हुआ है एस डी, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, आया था ना अभी 15 पॉइंट कितना, तो आप 152 ले लेना, ये मत नहीं, ये नहीं बोलने का मतलब है, इसका बोलने का मतलब है कि एब्सोल्यूट फिगर में लेना, ठीक है। टू, फिर नीचे नंबर 8 निकालिए, निकालिए, पहले देखो द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एसेट ए, एसेट ए समझ में आ रहा है, एसेट ए कितना है 12.2, ठीक है। एस डी ऑफ एसेट बी कितना 8.9, को रिलेशन कोफिशियंट क्या है ये आर, ठीक है, 0.2, व्हाट इज द कोवेरियंस, तो कोवेरियंस का फॉर्मूला भी लिखवाया था ना, मतलब कि आर रहने से लिखे, आर इज इक्वल्स टू, नहीं, कोवेरियंस कॉव एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई समझ में आ रहा है ना, मार्केट का बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू आर इंटू एस डी ऑफ एक्स इंटू इंटू एस डी ऑफ वाई। आर कितना है 0.20 इंटू एस डी ऑफ एक्स कितना है 12.2 इंटू एस डी ऑफ वाई कितना है 8.9, कितना आ रहा है आंसर,
जल्दी। ट्वेंटी वन पॉइंट सेवन सेवन वन वन ये वाला आंसर है, ठीक है। 0.002 ये गलत है इसमें, मतलब एक्चुअली इसमें ये अगर 12% को ना 0.122 लिखेंगे ना तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने फुल में लिखवाया, ठीक है, ये सही है, 21.12, ठीक है। बाद बाकी आप करके रखना, देख लो ये निकल जाएगा ना, SD of 10, SD of स्टॉक B 15, कोवेरियंस क्या लेना इसको 105, कोवेरियंस इसको क्या लेना 105, याद रखना। जो भी पॉइंट में फिगर आ रहा है ना, कोवेरियंस का इंटू 10,000 करना, ठीक है। कोरिलेशन निकालना है, कोरिलेशन क्या निकलेगा, आर इंटू आर इज इक्वल्स टू कॉव एक्स वाई, यहाँ पर ए बी है तो ए बी इंटू एस डी ऑफ ए इंटू एस डी ऑफ बी, ठीक है। फिर उसके बाद ठीक है, ये वाला करके इतना सा बिजी है, सेम सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, ठीक है। एक और शीट था ना जिसमें प्रॉब्लम हो रहा था, टीवीएम था ना, इसमें लास्ट का कुछ सम्स नहीं हुआ था ना। एक मिनट नीचे से देखते हैं, देखो 38 से देखते हैं, ये निकल जाएगा। फाइंड द बीटा ऑफ सिक्योरिटी एक्स, देखो निकल जाएगा। बीटा क्या होता है, बीटा इज इक्वल्स टू आर इंटू एस डी ऑफ एक्स बाई एस डी ऑफ एम, यही होगा ना। तो आर कितना है, 0.8 इंटू एस डी ऑफ एक्स 15/12, कितना आ रहा है आंसर, 1 आ रहा है। 1, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द पीवी ऑफ परपेचुटी, सम्स क्या हुआ है, पीवी ऑफ द परपेचुटी, परपेचुटी का सम्स है सबसे पहले, फिर पीवी मांगा है, और क्या बोला है, बिगनिंग ऑफ द ईयर। आपको याद होगा मैंने फॉर्मूला लिखाया था पीवी इज इक्वल्स टू ए बाई आई, ये किसका था, एंडिंग एंड ऑफ द ईयर का, और बिगनिंग वन में प्लस ए कर दिया था हम लोगों ने, ठीक है। तो ए क्या है, 10,000 डिवाइडेड बाई 0.05 प्लस 10,000, ये होगा 2,10,000, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। 36 देख, व्हेन बीटा इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब रिस्की एसेट्स और नो रिस्की एसेट्स, बीटा इज इक्वल्स टू जीरो, इसके लिए इसका मतलब क्या है, उस एसेट्स को मार्केट से डर है कि नहीं है, नहीं है, मार्केट मार्केट तबाह हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, वो रिटर्न देगा ही, अंडरस्टूड। मार्केट तबाह हो जाए उससे उसका कोई मतलब नहीं है, कौन सा स्टॉक हो सकता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है कि नहीं, गवर्नमेंट बॉन्ड में लगा दो पैसा तो आएगा ही, रिस्क फ्री और नॉन रिस्क फ्री, रिस्क फ्री, रिस्क फ्री, ठीक है। देन द सिक्योरिटी अंडर कंस्ट्रक्शन इज नॉट रिस्की, नॉट रिस्की बोला है, अगर किसी कंपनी का बीटा जीरो है तो वो क्या नॉन रिस्की है, आंसर इज नहीं, रिस्की है, कौन सा रिस्क आ रहा है उसमें, कौन सा रिस्क आ रहा है, अनसिस्टमैटिक रिस्क, बीटा इज इक्वल्स टू जीरो रेफर्स टू सिस्टमैटिक रिस्क इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, बिकॉज ऑफ अनसिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है, ये अलग हो जाएगा, रिस्क फ्री रिटर्न, ठीक है। इसका बगल में ये लिख देना, आर ई इज इक्वल्स टू
आर एम माइनस सॉरी आर ई इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, इससे आ जाएगा। कैलकुलेट द रिस्क फ्री, क्या निकालना है? आर एफ निकालना है। हाँ क्या उसका है, क्या बोलते सी ए पी एम का है। हाँ अंडरस्टूड, ये वाला आप लोग खुद से देख के रखना। बीटा इज इक्वल्स टू मार्केट रिस्क, ठीक है। ठीक है, ये सारा हो गया था क्या? 13 ऑन व्हाट सम? द कंपाउंड इंटरेस्ट 5% 2 से है, तो बहुत इजी सम्स है। ओ पीवी का लगाना है, टू ए कंपाउंडेड एनुअली। ये गलत लिखा है क्या मैंने? ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट 5% फॉर 2 ईयर कंपाउंडेड एनुअली भी? 1600 कितना आ रहा है आंसर इसका? ठीक है, इसको रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको। ठीक है, मैं एक बार रिविजिट कर लूँगा, मेरा सही, मैंने सही लिखा है एक्चुअली तो कुछ गलत। ठीक है, एक बार इससे जो ये वाला टॉपिक से कौन कौन सा सम्स नहीं हुआ ना, एक बार मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है, कि कौन कौन सा सम्स नहीं हुआ, मैं सिर्फ वही वाला करवाऊँगा। ठीक है, थैंक यू सर।